उत्तराखंड के चारों धाम के लिए बनाए गए देवस्थानम बोर्ड के पहले सीईओ की जिम्मेदारी सरकार ने गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन को सौंपी है, जबकि बोर्ड से जुड़े बाकी फैसलों को लेकर जल्द फैसले किए जाएंगे ताकि जल्द यात्रियों के लिए व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा सके। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड की घोषणा के बाद सरकार के सामने इस बोर्ड को जल्द अस्तित्व मिलाने की चुनौती थी। सरकार ने इस बोर्ड को संचालित करने के लिए बोर्ड का गठन कर लिया है, जिससे इस बोर्ड का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इस बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं, जबकि सरकार ने इस बोर्ड के सीईओ की जिम्मेदारी गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन को दी है, जो अपना चार्ज संभाल चुके हैं। वहीं पद संभालने के बाद रविनाथ रमन ने कहा कि जल्द ही इससे जुड़े सभी सदस्यों के साथ एक बैठक की जाएगी, जिसमें सभी के सुझावों को साझा किया जाएगा, जिसके बाद चारों धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था को बेहतर रूप दिया जाएगा। इसमें एक व्यवस्था दी गई है, जिसके अंतर्गत जो हमारे एक तो चारों जो मेन धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी, तो इनके और इनके अलावा जो बाकी जो प्रमुख मंदिर हैं हमारे, उन सब का एक समूह है। वो अधिनियम की अनुसूची में शेड्यूल में दिया गया है ABCD की, तो इनके एक बेहतर प्रबंधन की जो व्यवस्था है इसमें की गई है। तो इस एक्ट के अंतर्गत ही कई सारी व्यवस्थाएं इन्होंने दी है। इसमें एक बोर्ड का गठन किया गया है और बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे और उपाध्यक्ष हमारे जो संस्कृति के मंत्री हैं वो होंगे। इसी के साथ साथ इसमें विभिन्न विभाग जो इससे संबंधित हैं उनके सचिवगण इसमें पदेन सदस्य होंगे। वहीं इस बोर्ड की घोषणा के बाद से ही चारों धामों से जुड़े तीर्थ पुरोहितों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था, जिसको लेकर रविनाथ रमन ने कहा कि बोर्ड के सभी सदस्यों के साझा सुझावों में इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि मंदिर से जुड़ी परंपरा, पूजा प्रणाली और तीर्थ पुरोहितों के हक हकूकों को कोई नुकसान न पहुंचे। एक्ट की व्यवस्था है, एक्ट तो जो उसपे जो वर्डिंग है उसके अनुसार ही है, तत्काल इसको प्रभावी किया गया है। तो ऑब्वियसली जब एक एक्ट आ गया है, हमारे जो स्टेट का एक्ट है, तो एक्ट आने की वजह से ऑटोमेटिकली एक जो एक लीगल व्यवस्था, लीगल तौर पर एक व्यवस्था इसमें अस्तित्व में आ गई है। अब उसके अंतर्गत जो एक्ट के ही प्रावधान है, उन प्रावधानों के अनुसार अभी सारी व्यवस्थाएं इसको सुनिश्चित की जानी है, तो उसको अभी क्योंकि थोड़ा समय लगेगा, तो ऐसे में जो अभी एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उसकी क्या वैधानिक स्थिति रहेगी, उसके क्या दायित्व या कर्तव्य रहेंगे, क्या उसका अस्तित्व है या नहीं है, ये एक लीगल मुद्दा है, एक लीगल पहलू है। तो इसको जैसा मैंने बताया, क्योंकि अभी बोर्ड भी अभी जस्ट 20 तारीख को अस्तित्व में आया है और जो मेरी भी नियुक्ति है ये कल ही हुई है, तो अभी इन सबको हम लोग एक्ट के जो अधिनियम की जो व्यवस्था है उसके अनुसार परीक्षण करते हुए इसमें कोई लीगल हमें एडवाइस लेनी होगी या लीगल हमें इसमें कोई इसमें जानकारों से हमें कोई इसमें वो लेनी होगी, तो उसको भी हम लेंगे। उत्तराखंड के चारों धामों पर हर साल यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जिनको सरकार बेहतर सुविधा देने पर काम कर रही है। इसके लिए चारों धाम और उससे जुड़े 51 मंदिरों को देवस्थानम बोर्ड के अधीन लाया गया है। अब देखना है कि इस बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बीच सरकार किस तरह यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।